अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। माशाल्लाह देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे बादल थे। आप लोग भी देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है और आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो गाइस। हमें जा रही इंडियास लार्जेस्ट विंटेज कार म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आपको पड़ता है मैसूर से 15 किलोमीटर, श्रीरंगपट्टन से 8 किलोमीटर पर। म्यूज़ियम का ट्रेक्चर कार टायर के इस शेप में बना को ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखले को था। यहाँ पर अंदर जाने के बाद यहाँ पर टिकट काउंटर मिल जाएगा। टिकट प्राइस है 50 रुपीज़। टिकट लेने के बाद अंदर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है 70+ कार्स। आप लोग बहुत ही इंजॉय कर सकते हो, वीडियो में एंड तक बने रहना और आप लोग भी देख लेना यहाँ पर कितने वैरायटीज़ के कार्स है करके। मैं तो कभी देखी नहीं थी इतने सारे वैरायटीज़ के कार्स, तो मैं भी यहाँ पर कार पूरे देख ली थी और मैं भी बहुत इंजॉय की थी और मेरा बेटा भी बहुत खुश था। वो सब वैरायटीज़ के कार्स देख के पूछ रहा था, मम्मा कितने सारे कार्स हैं, मम्मा ये अच्छी है ये अच्छी है करके। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस तरह के जगहों पर जाएंगे तो। गाइस मैं सच बोल रही हूँ ना, अगर आप लोगों को ये बात सही लगी तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। बच्चे को इस तरह के सब वैरायटीज दिखाने के बाद बच्चे भी इंजॉय करते हो और बच्चों के दिमाग में बैठता है इतने सारे कार्स भी है करके, और 50 रुपीज़ में बहुत ही वर्थ है यहाँ पर जाके इस तरह के प्लेसेस देखने के लिए। ये म्यूज़ियम तो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही खूबसूरत से कार्स भी थे और बहुत ही क्लीन भी था। इस तरह के चीज़ों को जब भी बच्चों को दिखाना होगा तो जब भी आप लोग मैसूर जाते हैं आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करना इस जगह पर और आप लोगों के बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहना। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों, भूलना नहीं है कमेंट करने के लिए। ठीक है 5 मिनट्स लगेगा आप लोगों को कमेंट करने के लिए, ज़रूर से करना और वीडियो में
चीज़ों को आप लोग एंड तक देखना और इंजॉय करना गाइस। कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताना। देखो यहाँ पर पूरे पुराने ज़माने के पैसे भी रखो थे। देखो मस्जिद तो देख को बहुत दिल खुश हो गया। मैं ऐसे सब पैसे नहीं देखी थी। मैं भी बहुत इंजॉय करी और बच्चे को भी दिखाई, देखो बेटा ऐसे सब पूरे पुराने ज़माने में थे सब पैसे करको। देखो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, और कॉइन्स भी थे बहुत सारे पुराने ज़माने के। मेरी मम्मी को दिखाने के बाद मम्मी भी बोले हाँ ये पहले के ज़माने में थे। मेरे पास भी ऐसे कॉइन्स अभी मैं भी रखो थी को बोले थे गाइस। ये सब में हमारे अम्मी के बचपने में थे सो चीज़ा सभी। अब हमें देख रही इतने बड़े होको, देखो ऐसे सब जगह बच्चों को बुला ले जाना और दिखाना, बच्चे भी इंजॉय करती। मैं सही बोल रही हूँ ना गाइस। देखो स्टैम्प्स भी थे वहाँ पर, पूरे पुराने ज़माने के स्टैम्प्स। पहले सब पोस्ट में भेजते थे तो उस टाइम में ऐसे सब स्टैम्प्स लगाते थे ना गाइस। मुझे तो मालूम नहीं, तुम ना मालूम रहा तो मुझे कमेंट करको बताओ ऐसे सब स्टैम्प्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करती करको। और मुझे तो बहुत इंजॉय की, मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पर आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आगे जाएंगे तो देखो यहाँ पर इस तरह के भी बहुत सारे चीज़ें थे। देखो तलवारां सब भी थे और इसे लांगाम भी बोलती हैं और क्या बोलती हैं तुम्हारी इसमें मुझे मालूम नहीं। यहाँ पर गन भी थे, देखो पूरे पुराने ज़माने के कितने बड़े बड़े गन थे। मुझे यहाँ जाको मैसूर पैलेस की याद आ गई। हम ना स्कूल के टाइम में पैलेस में बुला लिख जाते थे तो वो टाइम दिखाते थे। देखो ये टीपू सुल्तान के कपड़े हैं और ये पैसे, ये इनका घर, ये ऐसा ऐसा करके सभी। मुझे यहाँ जाने के बाद वो याद आ गई। आप लोग भी जाना बच्चों को इस तरह के सब चीज़ें दिखाना गाइस। ये सब बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छे होते हैं। और मुझे खूब सारा ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है करके। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर से कमेंट करना। मुझे आप लोगों से कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं करके। बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब।